प्रधान साहब ने बड़े सुचे ढंग मनिया है कि सिर्फ कंवलजीत सिंह दोषी है। स्वरूप गड्डी विराजमान करा होंगे उ सत्त चैकिंग होंदिया ने चैकिंग जरा कंवलजीत सिंह अपनी कल लैके पेन लैके एक नोटबुक लैके गड्डी दे विच वड़ के चैकिंग करता है कि पवन स्वरूप दरम्याना साइज किन्ना वड्डा कार किन्ना हिंदी दे किन्ने आ लड़ीवार किन्ने आ चैकिंग जरा कंवलजीत सिंह अपनी कल लैके पेन लैके एक नोटबुक लैके गड्डी दे विच वड़ के चैकिंग करता है कि पवन स्वरूप दरम्याना साइज किन्ना वड्डा कार किन्ना हिंदी दे किन्ने आ लड़ीवार किन्ने आ। कंवलजीत सिंह ने पैसे खाधे सर किसी को कोई शक नहीं, उन्हें अपनी लड़की वास्ते पैसे वरतले बाहर विदेश में भेजी सी। किसी भी प्रधान साहब ने उस वेले तो उस वेले लौंगोवाल से असी रौला पाते रहे, इन्हों चिटा की पड़ताल कराओ, बीबी जगीर कौर के वेले रौला पाते रहे, धामी साहब के वेले भी रौला पाते रहे, किसी ने समझी गल इस सोचा भी यदि चिट्टा जड़िया दसते पे ने इन्हों की अं पड़ताल ही करा लीए। सदो मैनू जिथे सदना मैं उन्होंने नंगे पैरी आवागा, अकाल तख्त साहब से सद लो, ता सुलझाया सुलझाया तुहाडा जथेदार कौम नहीं मनती, लैनू साढ़े सामने बिठा दियो। उस प्रधान साहब तुम आप मने हो कि बादशाह तेरा गनाह कोई नहीं, तेरना यार मारो कि पैसे कंवलजीत का गया। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साहब जीओ दास की फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास बाज सिंह साबका क्लर्क श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, इस तो पहला भी चार वीडियो संगतों के सामने इन्हों दिन रिलीज कर चुका है, इस तो पहला पिछले समय के छे वीडियो मेरिया पहला भी कुल मिला के अज तक अज तो पिछे 10 वीडियो मेरिया रिलीज हो चुकिया, अज 11वीं वीडियो आ। संगतों के चरणों में बेनती है कि आप गल प्रधान श्रोमणी कमेटी वालों बंद कमरे के अपने चहेतिया नाल बिना मीडिया बिना प्रेस बिना किसी पत्रकार नूं दस्या अपनी मर्जी नाल कीती अपनी ही मन की बात दे संबंध में चार वीडियो पहला कढ चुका, अज 5वीं वीडियो अच्छी। प्रधान साहब ने बड़े सुचे ढंग नाल मन्निया है कि सिर्फ कंवलजीत सिंह दोषी आ। कंवलजीत सिंह जदों पवन स्वरूप दे के जांदा सी कोई त्रुटियां प्रधान साहब भी घट ही दस रहे हैं कि वेखो जी पवन स्वरूप छपते सी फिर उठ ठेकेदार को जाते सारा प्रोसीजर पहलों पहलों का हो जाता है, पवन स्वरूप बाहर कि तरह जाते हैं संगतों की जानकारी वास्ते मैं अगे भी दस चुका। जदों पावन श्री स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप सधाई हो के ग्रंथी सिंघा को हो के एक सैड से कमरे के विराजमान कराए जाते हैं, उस तो बाद जो बाहरों चिट्ठिया आदियाँ मैं अगे भी बेनती कर चुका है वह सकत्र को आदियाँ, सकत्र कंवलजीत को भेजता, कंवलजीत सिंह फिर गिनती करके किन्ने स्वरूप है किन्ने जा सकते हैं वो लिस्ट बना के वापस दफ्तर भेजता, दफ्तर वालों आर्डर पीता जिदा भी पै जाए, मेरे दिन भी ड्यूटियां लग रही होर भी कलर्कों ड्यूटियां लग दया रही। जो पावन स्वरूप का प्रोसीजर की आ प्रधान साहब की जानकारी वास्ते मैं दसा, जड़िया वो प्रोसीजर दसते पे आ बहुत पिछे रह जाता है, जो पावन स्वरूप जाते हैं वह प्रोसीजर की है कृपा करके वह भी दसन प्रधान साहब। मैं दसदा जदों पावन स्वरूप गड्डी का आर्डर पैंदा, पावन स्वरूप गड्डी विराजमान कराने वास्ते गड्डी का इशनान करा के रामसर साहब लैके जाइदा है, जदों पावन स्वरूप गड्डी विराजमान कराने होंदे उत्थे सत्त चैकिंग होंदियां ने, सत्त चैकिंग जां संतां दी जानकारी वास्ते दसां वी सत्त चैकिंग होंदियां ने। पहली चैकिंग करदा ठेकेदार जिहदे कोल पावन स्वरूप पए होंदे ने उत्ते, दूजी चैक जदों पावन स्वरूप उतों चैकिंग हो के गिनती करके ठेकेदार देता फिर गिनती करता है, इन्हों ने एक ग्रंथी प्रधान बनाया होंदा उत्थे हर महीने उन्हों बदल देंदे प्रधान जी तो वह ग्रंथी चैक करता भी इन्ने स्वरूप लिफ्ट दे विच चले गए ट्राले च, फिर जदों दूसरी चैकिंग ग्रंथी सिंह ने की, तीजी चैकिंग जदों ट्राला लिफ्ट दे विच आ जाता कंवलजीत सिंह आप करता कि किन्ने स्वरूप पावन स्वरूप लिफ्ट च आ गए, लिफ्ट के जिहड़ा ट्राला आ संगतां की जानकारी वास्ते दसा वो दरम्याना सहज 40 स्वरूप आते हैं, वड्डे आकार के स्वरूप 36 या 38 आते हैं, जे लिफ्ट के ट्राले के उपर 2 रख लीए फिर 38 आते हैं, जे ट्राले के रखिए फिर 36 आते हैं।
तीन चैकिंग हो गई, चौथी चैकिंग जो ट्राला जरा तीजी मंजिल के उत्तों थले ग्राउंड फ्लोर से आता है उत्थे जरा कवलजीत तो भी सीनियर सुपरवाइजर हुए मौके का वह चैक गिनती करता है। चार चैकिंग हो गई, पंजवीं चैकिंग जरा भी गर कलर्क ने नाल जाना हों ड्यूटी बस के नाल ड्यूटी लग के बतौर इंचार्ज बन के वह आपकी चैकिंग करता कि मैं इन्ने सरूप लैके चलिया हर वो ट्रा लिफ्ट के चैकिंग करता गड्डी चैकिंग करता जो गड्डी विराजमान होंगे आ। उस तो बाद एक ग्रंथी सिंह जिंकी ड्यूटी गड्डी के नाल जाने वास्ते लगती है वो चैकिंग करता है। ये छे चैकिंग हो गई, हूँ आ गई सतवीं चैकिंग। सतवीं चैकिंग जरा कवलजीत सिंह अपनी कल लैके पेन लैके एक नोटबुक लैके गड्डी दे विच वड़ के चैकिंग करता है कि पावन सरूप दरम्याना सहज किन्ना वड्डा कार किन्ना हिंदी दे किन्ने आ लड़ीवार किन्ने आ कुल किन्ने सरूप आ वह एक सेवादार नाल लैके सत चैकिंग हो गई कि सत बंदे दोषी हो सकते। हुण कवलजीत सिंह दे आ जाओ। कवलजीत सिंह ने पैसे खाधे सी, किसे नूं कोई शक नहीं, उन्हें अपनी लड़की वास्ते पैसे वरतले बाहर विदेश में भेजी सी। मैं पिछलियां रिकॉर्डिंगां च कह चुका ज़्यादा इस विस्तार चो ना जाइए, टाइम थोड़ा रह जाता। कवलजीत सिंह एक गल कहिंदा पिया है कि मेरे कोल चिट्टां सी जिहड़ियां महिंदर सिंह आली पी ए टू प्रधान साहब ने खोईयां, कितें पावन सरूप जिहड़े 328 बंदे कितें उन्हां चिट्टां दे विच ते नहीं पए, उह चिट्टां दसियां ने किसी भी प्रधान साहब ने उस वेले तो उस वेले लौंगोवाल से असीं रौला पाउंदे रहे भी इन्हां चिट्टां की पड़ताल कराओ। बीबी जगीर कौर के वेले रौला पाते रहे, धामी साहब के वेले भी रौला पाते रहे, किसी ने समझी गल इस सोचा भी यदि चिट्टा जिहड़ियां दसदे पए ने इन्हां दी अहीं पड़ताल ही करा लईए। हुण आई है श्रोमणी कमेटी के घपले संबंधी महिंदर सिंह आली जदों सकत्तर प्रमोट हुंदा है इहदे ते 60 to 70 lakh का करजा सी, 40-42 lakh रुपया एग्रीकल्चर का सी, बाकी इहदे कोल इहने हाउसिंग लोन लिया होया सी, तिना बैंकां च डिफाल्टर होया सी, हर महीने की 5 तरीक तो पहला पेशगी रहिंदा हुंदा सी। जदों आपां साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह का 550वां सालाना प्रकाश पुरब मनाया सुल्तानपुर लोधी, उत्थे एक स्टेज लगी सी, आम संगतां नूं भी पता है, उहदा टेंडर होया सी 12 करोड़ रुपए के लगभग। इस दौरान अंधेर चलिया, मीह पिया, तूफान आया, स्टेज खराब हो गई, स्टेज खराब हो गई, जिन्होंने स्टेज लाई सी उन्होंने उन्हें ठीक करना मुनासिब नहीं समझिया। फिर प्रोग्राम होया, सब कुछ होया, उस दे विच एक सब कमेटी बनी सी पैसे दे लैन देन करन संबंधी। उस सब कमेटी दे विच करमूवाला साहब, रूप सिंह, जौड़ा सिंह, बलविंदर सिंह जौड़ा सिंह सकत्तर, सुखदेव सिंह भूरा आदि इन्हां मते आधार ते सब कमेटी बनी सी। ते सब कमेटी हैगी सी दा कोऑर्डिनेटर हैगा सीगा जौड़ा सिंह, बलविंदर सिंह जौड़ा सिंह, उसने कहा सीगा कि इन्हां नूं 7 to 8 crore के करीब पैसे दे दिओ। किसी सकत्तर ने उहदे ते साइन नहीं कीते, की मजबूरी सी महिंदर सिंह आली दी, इन्हें अपने दस्तखतों हेठ करीब 12 करोड़ रुपया दे करीब लगभग 12 करोड़ दे लगभग उस फर्म नूं दवा दिता अपने दस्तखत करके बिल पास करके। की मजबूरी सी बई, कि यह श्रोमणी कमेटी प्रधान दसणगे, इहदा अजे भी सकत्तर कार्ड मंगा सकती है श्रोमणी कमेटी तो, उहदे डिफाल्टर का बैंकां चों अजे भी रिकार्ड मंगा सकती है, ते बाकी इहदा करजा कित्थे चले गया है, ते मुड़ के सब कुछ साफ हो गया। यह तो स्पष्ट पता हुंदा है श्रोमणी कमेटी के दीवे थले बहुत तगड़ा हनेरा है, बहुत ज़्यादा घपले हो रहे ने। इस करके संगत जी असी बेनती करते हैं समूह साध संगत नू इन्हां घपलियां संबंधी जानकारी लैन वास्ते RTI पाओ श्रोमणी कमेटी तो, भी जे 7 करोड़ के लगभग देने की प्रवान सब कमेटी ने मंजूरी की सी, सिफारिश की सी, ते लगभग 12 करोड़ रुपया किहदे अधिकारां हेठों नू चले गया, कि ये गुरु घर की लुट ने। एक उत्थे तेल का बिल इन्होंने किया, वह भी जाली, वह भी किसी कोई होर सकत्तर नहीं करता, वह भी महिंदर सिंह आली ने अपने दस्तखत हेठ जा रहे वो बिल के पैसे दवाए, क्यों बई ये किहदी जानकारी सी, ये किहड़े प्रधान लौंगोवाल ही उस वेले मौके ते की प्रधान लौंगोवाल नूं इहदा हिस्सा गया है, की इन्हां दे सियासी अकामां नूं हिस्सा गया है। संगत दे चरणां च बेनती आ, ये इन्हां नूं फुलने फुलन वास्ते असीं तैयार हाँ, सानूं किसे स्टेज ते सद्दो, सानूं किसे मीडिया च सद्दो। अच्छा एक बेनती होर करा, साडी मीडिया कोई गल नहीं सुनता, असीं तां करके सोशल मीडिया का सहारा लिया है,
एक पत्रकार स्पोक्समैन दा सी, उन्हें साड़ियां खबरां लाईयां सी। प्रधान श्रोमणी कमेटी धामी दे हुक्मां अनुसार उन्हूं अज दफ्तर श्रोमणी कमेटी च नहीं वड़न देंदे। क्यों भई, ये प्रेस दी आजादी दा डाका नहीं? जे को साड़ी गल शाम दा उन्हूं प्रेस दफ्तर च नहीं वड़न देंदे। इस करके अज दी जे एक ताज़ा खबर हैगी आ, पहरेदार दे विच छपी आ, हरप्रीत सिंह जथेदार दा जिहड़ा उस्ताद आ, वैसे देर है दुरुस्त आए, उन्हें बड़ा वधिया बयान दिता है कि की इस नलायक नालों कोई इन्हां श्रोमणी कमेटी नूं चंगा जथेदार नहीं मिलता, इन्हां नूं होर कोई सुलझा जथेदार नहीं मिलता, सारा काम इक्के दे सिर ते थोपी जांदे आ। जिस बंदे दा उस्ताद ही ये गल कह रहा तो किन्नी लियाकत दा मालक होवेगा? जे पावन सरूपां दे संबंधी कौम नूं भंबल भूसे विच पाउण वाला भी ये जथेदार हजे तक निकल नहीं सकिया, इहदा साथ देण वाला महिंदर सिंह आली, सुखदेव सिंह पूरा, रूप सिंह ते उहो जिहा नाल रल गया, ईश्वर सिंह जिहड़ा क्रिमिनल बंदा सी, उहो जिहा साडा हुण अगों प्रधान जिहड़ा इन्हां दे पोचे मारे ते पोचा मारी जांदा, कोई सूझबूझ गल नहीं करदा, कोई अपने दिमाग तो काम नहीं लैंदा, ये रौला पाउंदे ने मैं कोई इन्हां दी पड़ताल करा लवां। मेरियां पंज बैठकां होईयां सी कमिश्नर दे नाल, ईश्वर सिंह दे नाल, मैं उदों वी कहिंदा सां इन्हां नूं मेरे सामने बिठाओ। मेरियां चार बैठकां सब कमेटी दे विच आए दे नाल भी होईयां ने, धामी दे नाल भी, गुरु रामदास हस्पताल दे विच साडी लास्ट आखिरी 25 नवंबर 2022 नूं मीटिंग होई आ, उत्थे इन्हां दा सारिआं ने सानूं आओ अज तुहाडा फैसला करन लगे, असीं तुहाडा दोष कोई नहीं। ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਨੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟੇਵੱਡ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਭਾਈ ਜੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੀ ਪਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸੱਦੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਵਲਜੀਤ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਝੁੱਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲ ਦਾ ਮਤਾ ਭਲਾ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਦਏ ਹੋ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦੋ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਦੋ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਦੋ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਓ, CBI ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲੀ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਲੱਗ ਗਏ ਮਗਰ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਬਿਠਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।